नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं टेक गेमर। चले एक और नए टेक वीडियो के साथ शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में हम वन प्लस सेवन डिवाइस को फ्लैश करने वाले हैं, क्योंकि वन प्लस सेवन टी डिवाइस के लिए एंड्रॉयड 12 अपडेट आया था, जो कि मैंने अपडेट कर भी दिया। लेकिन अपडेट करने के बाद डिवाइस की जो परफॉर्मेंस थी वो उतनी अच्छी नहीं है। शायद एंड्रॉयड 12 का जो अपडेट आया है उसमें इतने सारे बग हैं कि वो डिवाइस की परफॉर्मेंस को बहुत ही स्लो कर दिया है। तो हम अपने वन प्लस सेवन टी डिवाइस में जो अपडेट किया है एंड्रॉयड 12 को, हम उसको वापस से एंड्रॉयड 11 पे रोल बैक करते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमारे सामने दो एप्लीकेशन है, एक है L2 ड्राइवर, एक है वन प्लस सेवन टी का फर्मवेयर। ये दोनों एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम L2 ड्राइवर को एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर हम वन प्लस सेवेंटी ऑक्सीजन ओएस के भी फाइल को स्क्रैप करते हैं। यहाँ पे हमारी फाइल स्क्रैप होना शुरू हो गई है और आप देख सकते हैं हमारा दोनों फाइल स्क्रैप हो चुका है। सबसे पहले आप L2 ड्राइवर में जाइए। मेरा सिस्टम 64 बिट है तो हम 64 बिट में जाएंगे। तो पहला फाइल उस पर राइट क्लिक करेंगे और इंस्टॉल करेंगे, यस करेंगे, ओके करेंगे। वापस से हम सेकंड फाइल पे जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, यू सिग्नेचर में जाएंगे, यू सर्टिफिकेट में जाएंगे और सर्टिफिकेट करंट यूजर नेक्स्ट, प्लेस ऑल द सर्टिफिकेट इन द फॉलोइंग स्टोर ब्राउज ट्रस्टेड पब्लिशर के फिनिश ओके 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 यहाँ से क्लोज। तो हमारा डिजिटल सिग्नेचर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको क्या करना है, वन प्लस का जो ओरिजिनल केबल है वो आपको अपने पीसी पे कनेक्ट करना है। ये हमारा वन प्लस 70 का फर्मवेयर, आप इसको ओपन करिए और यहाँ पे MSM डाउनलोड टूल है, आप इस पर राइट क्लिक करिए और रन एज एडमिन। तो यहाँ पे हमारा फाइनली MSM डाउनलोड टूल ओपन हो चुका है। अब हम अपने वन प्लस सेवेंटी डिवाइस को ऑफ करेंगे और वन प्लस सेवेंटी डिवाइस में वॉल्यूम अप बटन डाउन बटन को एक साथ दाब करके पावर केबल को कनेक्ट करेंगे। जैसे ही हम पावर केबल कनेक्ट किए, आप देख सकते हैं वहाँ पे कनेक्टेड शो कर रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और जैसे ही हमने स्टार्ट पे क्लिक किया वहाँ पे सहारा कम्युनिकेशन फेल्ड आ गया है। इसका मतलब है कि हमारा डिवाइस प्रॉपरली कनेक्ट नहीं हो रहा है। आप उसको प्रॉपरली कनेक्ट करिए। देखिए मैंने उसको प्रॉपरली कनेक्ट किया तो यहाँ पे फ्लैश होना शुरू हो गया है। तो दोस्तों अब आप अपने डिवाइस को एज इट इज़ रख दीजिए, ये हार्डली 10 से 15 मिनट लगेगा इस डिवाइस को फ्लैश होने में। आपने देखा मैंने वॉल्यूम बटन को वापस से प्रेस किया तो मेरा डिवाइस एग्जीक्यूशन में चला गया। अगर एग्जीक्यूशन नहीं होता तो मुझे वापस से केबल को डिटैच करना पड़ता और फिर कनेक्ट करके फिर से ये प्रोसीजर हम दोबारा करते। तो दोस्तों इस प्रोसीजर को कंप्लीट होने में अराउंड 15 टू 20 मिनट्स लगेगा। उसको होने देते हैं परफॉर्म और हमारा डिवाइस एंड्रॉयड 12 से एंड्रॉयड 11 पे शिफ्ट हो जाएगा। फाइनली हमारा वन प्लस सेवेंटी फ्लैश हो चुका है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।